फ्रेंड्स, सर्दियों में हमारे तुलसी प्लांट को बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट होती है, ख़ास तौर पे उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो काली पड़ के सूख जाती हैं, उनकी पत्तियाँ काली पड़ जाती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरी तुलसी इन सर्दियों में भी कितनी ग्रीन और बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है। मैं कौन सी खाद इसमें डालती हूँ जिससे कि मेरे प्लांट पर कीड़े भी नहीं लगते हैं और प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ही तुलसी नहीं, मेरे पूरे गार्डन में जितनी भी तुलसियाँ हैं, आइए मैं बताती हूँ आपको। देखिए आप, ये भी तुलसी कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है। सारे गमले में एक न एक तुलसी का प्लांट निकल के आ जाता है, लेकिन वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि इसकी वाटरिंग बिल्कुल भी ओवर ना करें। ज़्यादा वाटरिंग यदि आप करते हैं, ये देखिए मेरी मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, तो आपकी तुलसी की जो जड़ है वो सड़ जाती हैं और तुलसी का प्लांट ख़राब हो जाता है और उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती है। इसलिए आप पानी पर ज़रूर ध्यान दें कि तुलसी में आप किस तरह से पानी डाल रहे हैं। दूसरी बात कि यदि आपकी ये बाल लग गई हैं, तो या तो आप इन्हें हटा दीजिए, और यदि आप हटाना नहीं चाह रहे हैं तो कलेक्ट करना चाह रहे हैं, सीड्स बनाना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके सूखे बाल हैं, जो सूखे बीज हैं, वो निकाल दीजिए, और बाकी जो निकल रहे हैं फ्रेश बीज हैं उनको आप सिर्फ रहने दीजिए। ये देखिए इसमें इस समय फ्लावर लग रहे हैं, तो इसको मैंने स्टोर करने के लिए रख छोड़ा है। लेकिन जो भी सूखी बाल हैं वो बिल्कुल से हटा दें, जिससे कि एनर्जी उसकी उसको गिराने में ना कंज्यूम हो, प्लांट की एनर्जी उसकी ग्रोथ के लिए ही काम में आ जाए। इसके बाद यदि बात करते हैं इसमें किसी भी तरह के कीड़े के अटैक की, तो फ्रेंड्स इसमें हमेशा आप मंथ में एक बार इस तरह से हल्दी पाउडर ले लीजिए और एक चुटकी हल्दी आप अच्छी तरह से इसमें इस तरह से स्प्रिंकल कर दें, तो ये प्लांट में किसी भी तरह के जो कीड़े बैठ जाते हैं या लग जाते हैं, एफिड्स वगैरह, तो वो कभी नहीं आएंगे। बात कर लेते हैं मिट्टी की गुड़ाई की, तो इसे महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें, और अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो आप 15 दिन में भी गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि अंदर हवा का सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो सके और प्लांट की जो रूट हैं वो अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकें। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जो मैं प्लांट में डालती हूँ, जिसकी वजह से मेरे प्लांट में साल भर ग्रोथ होती है और हमेशा हरा बना रहता है, कभी भी प्लांट की पत्तियाँ पीली या काली नहीं पड़ती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे पास है ये नीम खली पाउडर। नीम खली पाउडर को आप अपने प्लांट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी की गुड़ाई करके, जैसे मेरा बड़ा प्लांट है तो इसमें मैं एक मुट्ठी के आसपास, इस तरह से आप एक मुट्ठी के आसपास नीम खली पाउडर लें और उसको इस तरह से मिट्टी में मिला दें। इससे फ्रेंड्स होता क्या है कि किसी भी तरह की मिट्टी में यदि समस्या होती है, फंगल समस्या है या फिर किसी तरह की कीड़े की पेस्ट अटैक है, तो ये नीम की खली उसको नहीं होने देती है और हमारा प्लांट प्रॉपर ग्रोथ करता रहता है। और साथ ही इसमें आप एक मुट्ठी, इस तरह से एक मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट लेके साथ में इसमें मिला दें, तो बर्मी कंपोस्ट हमारे प्लांट की पत्तियों के लिए चमकदार बनाने में और उसकी ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो नाइट्रोजन से भरपूर खाद है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने तुलसी को साल भर हरा भरा बना सकते हैं, किसी भी मौसम में ये ख़राब नहीं होगी। और कोशिश करें कि अपने प्लांट को सर्दियों में थोड़ा सा आप किसी भी इस तरह से पतले कपड़े से रात के समय जब ओस गिरती है तब ढककर रखें, तो आपकी तुलसी सर्दियों में भी सुरक्षित रहेगी। थैंक यू।